सभी को प्यार भरी नमस्कार। माई सेल्फ गुरविंदर सिंह और मैं हीलुक्स इंटरनेशनल की चंडीगढ़ में CG1 ब्रांच में ब्रांच डायरेक्टर की सेवा निभा रहा हूँ। हमारी कंपनी का एक बहुत ही अच्छा रेसिपी कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो उसमें आज हम बनाएंगे मटन करी। तो उसके लिए कुछ सामान मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए 3-4 छोटे प्याज, 2-3 टमाटर दे देंगे और 7-8 लहसुन की छोटी कलियाँ दे देंगे, 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर हो जाएगा और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 के करीब हम लाल मिर्च का ले लेंगे और 1/2 चम्मच जीरा ले लेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला और कुछ 5-7 पीस काजू के ले लेंगे और 1 चम्मच मगज़ का और 1/2 किलो के करीब मटन हम लेंगे। तो अब हम उसमें हीलुक्स के कुकर में, हीलुक्स कुकर की बहुत खूबी है इसमें कि हम इसमें तेल बहुत कम पड़ता है, तो हम लगभग 1 चम्मच ही के तेल का डालेंगे। इसमें ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती, ये हीलुक्स के कुकर की खासियत है। तो उसमें सभी प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन वगैरह डाल के हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये प्याज हमारा थोड़ा सा लाल हो गया, भून गया है। इस कुक बियर की एक बहुत बड़ी खासियत और भी है कि हम इसको सिम गैस पे रखेंगे तो हमें प्याज को बार बार हिलाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो अब ये प्याज को भुनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ अब इसको हम थोड़ा बीट कर देंगे। अब ये बीट किया हुआ मसाला हम कुकर में डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसको मटन को इसमें डाल देंगे और मसाले हम गर्म मसाले को छोड़ के बाकी के सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और 1/2 कप, लगभग 1/2 कप हम पानी का इसमें डाल के इसको 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब ये हमारा मटन करी तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल देंगे और मगज़ और काजू की जो पेस्ट है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये सच में वर्ल्ड क्लास कुकवेयर है हमारा हीलुक्स। थैंक यू वेरी मच। आइए आप भी हमारे साथ हीलुक्स कुकवेयर में बना हुआ खाना एंजॉय कीजिए।